हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि त्रिफला चूर्ण के बारे में। दोस्तों त्रिफला चूर्ण तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन पतंजलि त्रिफला चूर्ण मैं क्यों दिखा रहा हूँ, एक तो ये सबसे सस्ता है, सिर्फ 23 रुपये इसकी MRP है और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो फ़ायदे इसके जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं त्रिफला चूर्ण आखिर क्या चीज़ है, क्यों ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्यों लोग इसे लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक चीज़ है, जैसा कि दिव्य त्रिफला चूर्ण इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसमें मुख्य तीन चीज़ें डाली जाती हैं, आंवला, हरड़, बेड़ा। त्रिफला चूर्ण तभी इसका नाम है क्योंकि तीन चीज़ें ही डाली जाती हैं और तीनों एक समान ही डाली जाती हैं। कुछ कंपनीज अलग अलग मात्रा में डालती हैं, लेकिन पतंजलि त्रिफला में सभी एक समान में डाली गई हैं। ये देखिए 33.33 ग्राम ही है आंवला, हरड़ और बेड़ा, तीनों ही एक समान मात्रा में डाली गई हैं। 23 रुपये इसकी MRP है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और पैकिंग जैसे कि पतंजलि के प्रोडक्ट की होती है वैसी ही है। 2 से 5 ग्राम लेने की सलाह दी गई है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए यानी कि कब्ज़ की शिकायत है अगर आपको, तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत रामबाण इलाज ये माना जाता है। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे चल कर बताने वाला हूँ। पहले हम खोल कर देखते हैं कि इसमें किस तरह का चूर्ण आपको मिलता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है, पहले इसकी पैकिंग थोड़ी अजीब सी होती थी जो लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी पैकिंग कर दी गई है पतंजलि के सभी प्रोडक्ट की। तो इसमें ऐसा आपको ब्राउन कलर का पाउडर मिलेगा, काफ़ी फाइन पाउडर है और काफ़ी हल्का भी है, और इसे आप रात को सोने से पहले पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों पहला इसका फ़ायदा है कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, दोस्तों कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल हो रही है, ख़ास करके जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि खाते हैं, और जिनके खाने में फ़ाइबर की कमी है उन्हें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो कब्ज़ की शिकायत से निजात पाने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अगर कब्ज़ ज़्यादा देर रहे तो आगे चलकर पाइल्स या फिर बवासीर का रूप भी धारण कर लेती है, तो इसलिए कब्ज़ से निजात पाने के लिए इसका सेवन भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको गैस की समस्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो गैस की समस्या होना भी आम बात है, गैस की समस्या से निजात दिलाता है। अगर गैस की समस्या हो तो सिर्फ आपका दर्द करेगा और भी कई समस्या हो जाती है। तो पेट की समस्या जिनके भी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है यानी कि पाचन क्रिया आपकी अच्छी नहीं है, तो उन सभी समस्याओं के लिए त्रिफला चूर्ण बनाया गया है। एक तो इसमें आंवला है जिसकी आपको विटामिन सी देता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो वज़न कम करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें आंवला की होने की वजह से कुछ लोग इसे आँखों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी आँखों में जलन रहती है, आईसाइट थोड़ी वीक हो रही है, आँखें अच्छी नहीं रह रही, तो आँखों के लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। कुछ लोग इसे रात को भिगोकर सुबह इसके पानी से आँखें धोते भी हैं और इससे भी फ़ायदा मिलता है। तो त्रिफला चूर्ण आपकी आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन 1-1.5 महीने तक इसका सेवन करना पड़ता है। लेकिन आप इसका सेवन अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 से 15 दिन ही इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा देर सेवन ना करें। और इसके और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें आंवला है, आंवला आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है, हरड़ भी आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद रहता है, बालों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं पतंजलि त्रिफला चूर्ण के। तो अब बात करते हैं कि इसके लेना कैसे है या फिर इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों इसे लेने बहुत ही आसान है, इसे आप रात को सोने से पहले थोड़े से गुनगुने या फिर गर्म पानी के साथ 5 ग्राम तक ले सकते हैं, यानी कि आधा चम्मच लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसे आप हफ्ता या फिर 10 दिन ऐसे सेवन कीजिए, आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और कोई सभी चीज़ें ले लेके थक गए हैं तो आप एक बार त्रिफला चूर्ण भी सेवन ज़रूर करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स भी है तो आप पतंजलि का अर्शकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।